हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन PWS चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने PWS चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपने डॉग को लाया हूँ और मैं कुछ ऐसे पांच चीज बताने वाला हूँ जिसे हर एक डॉग ऑनर्स को फॉलो करना चाहिए। तो उसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो भी जरूरी सामान है, ये पांच सामान है, मैं इस बॉक्स में करके लाया हूँ ताकि मैं सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स, ये डिवर्मिंग का टैबलेट। ये डिवर्मिंग का टैबलेट है फ्रेंड्स, जिसे हर किसी पेट ऑनर को देना चाहिए। अगर आपके पास पपी हो या एडल्ट डॉग हो, कोई भी डॉग आपके पास हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, डिवर्मिंग तो जरूर करें। डिवर्मिंग कराने कई तरह के फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनका पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहने से उनमें किसी तरह का वर्म्स नहीं होगा। जो पेट के अंदर यूजुअली जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो उनके पेट में नहीं होंगे। उनका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और उनका डाइट प्रॉपर रहेगा। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट है, काफी जरूरी है कि डिवर्मिंग आप हमेशा टाइमली कराते रहें। और सेकंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टूथब्रश लेकर के हमेशा डॉग का अपना टीथ क्लीन करें, गम्स साफ करें। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी कोई ब्रांडेड आप टूथब्रश लें। घर में जो यूज करते हैं सॉफ्ट इसका ब्रश, उसको भी यूज कर सकते हैं। और यह आपका डॉग का टूथपेस्ट जैसे आप यूज कर सकते हैं। इसे यूज करना काफी आसान है। मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिटेल्स में लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रश कैसे करना चाहिए, आपके डॉगी का प्रॉपर ब्रश कैसे करना चाहिए। किटू का तो फ्रेंड्स, ये थी जो मैंने आपको जानकारी दी, कि सेकंड जानकारी कि टूथब्रश और टूथपेस्ट हमेशा आप यूज करें। वीक में कम से कम 3 बार तो आपसे यूज करना ही चाहिए अपने डॉग के लिए। फ्रेंड्स, सेकंड चीज, दो चीज मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, थर्ड है ये पाउडर है जिसके थ्रू आप टिक्स एंड फ्लीज को दूर रख सकते हैं। अगर आपके पास फर वाले डॉग हो, जैसे आपका गोल्डन रिट्रीवर हो गया, जर्मन शेफर्ड है, कोई भी अगर डॉग हो, तो आप मंथ में कम से कम 2 बार या 3 बार से यूज करें। नहलाने के बाद इसे दिन में 1 बार लगाएं और अच्छे से काउंट कर दें, और काउंट करने के बाद इसे आप छोड़ दें बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं इनके फर में लग जाते हैं अंदर, उसे होते वो दिखेंगे नहीं आपको। तो इसे यूज करने से आपके डॉग के अंदर किसी भी तरह के टिक या फ्लीज नहीं होंगे और काफी हेल्दी रहेंगे। और फ्रेंड्स, फोर्थ हो गया ये कॉम्ब। घर में कोई भी जो हम लोग कॉम्ब यूज कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर फर काफी ज्यादा हो, जैसे गोल्डन रिट्रीवर काफी अगर ज्यादा है, तो आप इसे मोटे से यूज करें। अगर फर काफी पतला है, जैसे डोबरमैन है, तो आप इसे पतले से यूज कर सकते हैं। कॉम तो आप डेली कम से कम 1 बार किया कीजिए, ताकि उनके घर में बाल आके कम गिरेंगे और डॉगी का जो स्किन है वो काफी ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स, पांचवा है जो काफी जरूरी है, जो काफी मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके पहले मैं इससे बनना आपको आगे बढ़ाऊ, मैं पहले अपने डॉगी को ट्रिक दे देता हूँ, क्योंकि तब से बैटरी में वेट कर रही है, मैं दे दिया। तो फ्रेंड्स, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेट ऑनर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो है अपने डॉगी के लिए एक बेड देना। मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है कि डॉगी अपने डॉगी के लिए वो बेडशीट नहीं दे पाते हैं। तो काफी जरूरी, अगर आप घर में रख रहे हो तो उनके लिए एक प्रॉपर बेड दें। जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड लें, आप नजदीकी दुकान में जाएं और एक आपको एक बेड मिलेगा, वो बेड लेकर के आप अपने से तैयार कर सकते हैं। तो आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह का बेड बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक कॉमन ब्रेड है, ये आप किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ये 400 से 500 रुपए लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये आपका बेड से आप बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप एक बेडशीट लगा दीजिए, कवर लगा दीजिए, और जहाँ डॉगी सोता है उसको जस्ट पर इसको आप बिछा दीजिए यहाँ पर, डॉगी ऊपर इसके ऊपर बैठेगा। इसके सबसे बड़ा फायदा फ्रेंड्स दो है, जो कि बाद में एज होने पर यूजुअली मोस्ट यूजली जो मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम होता है, कि जो डॉग का जो एल्बो होता है, ये जो एल्बो है वो बैठने से यहाँ दिखेगा, वो पूरा छिल जाएगा एज होने पे, 5 से 6 साल होने पे वो पूरा छिल जाएगा, और छिलने के बाद वहाँ पूरा उनको खून निकलने लगेगा धीरे धीरे एज होने पे, रुखड़ा हो जाएगा और खून निकलने लगेगा। तो एल्बो में खास का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि बेडशीट लगाना काफी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आपका है, ये जो एरिया है यहाँ पे, चूंकि यूजुअली डॉग साथ में सोते हैं, अगर फर्स्ट में सोएंगे वो जमीन पे ऐसे ही सोएंगे, तो उनका ये जो एल्बो एरिया है वहां से बाल हट जाएगा और वहां रुखड़ा हो जाएगा, बाद में ब्लीडिंग होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, काफी जरूरी है कि अपने पेट के लिए, अपने प्यारे पेट के लिए एक बेड और बेडशीट दिया करें, और जहां सोता है प्रॉपर उसको जगह फिक्स कर दें और वहीं पे हमेशा उसको बिछाया करें। तो फ्रेंड्स, ये थी
5 essential tips जो कि हर एक डॉग ओनर्स को फॉलो करनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।